सिमडेगा सालों से मानव तस्करी के लिए कुख्यात रहा है, लेकिन अब इस पर विराम लगाने की पूरी तैयारी की जा रही है। सरकार यहां की युवतियों को नौकरी दे रही है ताकि वो मानव तस्करी के चंगुल से बच सके। सोमवार को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रोजगार के लिए एक कैंप लगाया, जिसमें 2000 युवतियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार और श्रम मंत्रालय झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में सिमडेगा नियोजनालय द्वारा सिमडेगा कॉलेज ऑडिटोरियम में मेगा भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जनजातीय मंत्री सह सांसद अर्जुन मुंडा के प्रयास से टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड इस भर्ती कैंप में सिमडेगा के बेरोजगार युवतियों को नियोजन दे रही है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के इस नियोजन कैंप के निमित्त आई अधिकारी ने बताया कि झारखंड के जिन जिलों में मानव तस्करी की समस्या है, वहां युवतियों को नियोजन से जोड़कर मानव तस्करी पर अंकुश लगाने का सरकार का यह प्रयास है। इसका फायदा यहां की युवतियों को मिलेगा। इनको थोड़ा अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके काम करना पड़ेगा, लेकिन जो एक अवसर दिया जा रहा है श्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा, वो एक बहुत बड़ी इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित होगी। और लोग कहते हैं कि खूंटी और सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा और इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफ़ी होती है, एंड लेकिन अब लगता है कि ऐसे अगर कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएँ मंत्रालय और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा, तो काफ़ी लाभ मिलेगा इन महिलाओं को उस चीज से उभरने का और आके बेटर अपॉर्चुनिटी को हासिल करने का। भर्ती कैंप में जनजातीय युवतियों के साथ हर एक कैटेगरी की युवतियों को नियोजन का मौका दिया गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक के तमिलनाडु स्थित प्लांट में इन युवतियों को नौकरी दी जाएगी, जिसमें रहने और खाने की सुविधा के साथ हर एक बच्चों को 16,000 की सैलरी दी जाएगी। ये चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चियों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, एक आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए जिसमें लड़कियों का बहुत बड़ा यू नो कंट्रीब्यूशन हो। तो इस हिसाब से ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है, ये मैक्सिमम बच्चियों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, एंड दे विल बी प्लेस्ड एट द टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्लांट है होसुर तमिलनाडु में, वहाँ पे इन बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और जो ऑफर लेटर है काफ़ी अच्छे वेजेस भी दिए जाएंगे इनको और बहुत बेनिफिट्स हैं। इस भर्ती कैंप में 2000 युवतियों को नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 12वीं पास युवतियों की बहाली प्रक्रिया की जा रही है। जिला नियोजनालय में रजिस्टर्ड युवतियों को इसमें प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जा रही है। कैंप कर रहे हैं जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, उन्होंने भाग लेने पर सहमति जताई है और ये लोग तमिलनाडु में अपने प्लांट के लिए बच्चियों को बहाली कर रहे हैं और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है वो 12th पास है और एज ग्रुप है 18 से 21 साल। सिमडेगा जैसे आदिवासी बहुल जिलों के अभिशाप बनते मानव तस्करी को खत्म करने की दिशा में सरकार का यह प्रयास काफी सराहनीय साबित होगा। यहाँ की बेटियाँ काम की तलाश में मानव तस्करों के चंगुल में फंस जाती हैं, लेकिन अब सम्मानजनक नौकरी करेंगी। न्यूज 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।